हेवी रेन गरीब अमीर का बारिश स्कूल। विलासपुर नामक गांव में विकास राज नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो कई तरह के व्यापार करता था। उसे पत्नी और विक्की स्वीटी नाम के बच्चे थे। पूरे विकासराज के परिवार को पैसे होने का घमंड बहुत था। घर में काम करने वालों को हर दम मारते हुए डांटते हुए उनका अपमान करते थे। विकासराज दफ्तर में अपने कर्मचारियों का भी अपमान करता था। विकासराज आए दिन अपने बच्चों को महंगे कारों में बिठाकर स्कूल को ले जाकर वहां उन्हें छोड़कर अपने ऑफिस को चला जाता था। उसी गांव में पटनायक नाम का एक गरीब आदमी पत्नी और चिन्नू मुन्नू नाम के बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में जीता था। पटनायक रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी चार घरों में काम करती थी। चिन्नू मुन्नू स्कूल में पढ़ते थे। पटनायक अपने बच्चों को रिक्शा पे बिठाकर उन्हें स्कूल के पास छोड़कर चला जाता था। विक्की और स्वीटी भी उन्हीं के क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों चिन्नू और मुन्नी का बहुत अपमान करते थे। जब विकास राज अपने बच्चों को कार में ले जाने लगा तो वो बच्चे रिक्शा में जा रहे चिन्नू मुन्नू को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। रिक्शा और कार जब बगल बगल में से जाने लगे तो स्वीटी ये क्या चीप रिक्शा में जाते हुए ऐसे बिल्डअप दे रहे हो जैसे कोई टेस्ला कार में जा रहे हो चीप फेलोस बोली तो विक्की वैसे रिक्शा में कोई स्कूल आएगा क्या अपमान महसूस नहीं होता क्या तुम लोगों को देखे तो हंसे या रोए समझ नहीं आता सिल्ली फेलोस कहकर हंसता था। उनके बातें सुनकर पटनायक बेटा ऐसे बात नहीं करते आप लोग अमीर हैं किसी में भी जा सकते हैं मगर हम गरीब हैं हमारे लिए यही बहुत है एक और बार हमारे बच्चों का ऐसे अपमान मत कीजिए कहा तो विकास राज क्यों हमारे बच्चों को धमका रहे हो तुम्हारी कितनी हिम्मत हमारे बच्चे मन में आए वैसे बोलेंगे तुम लोगों को सहना ही होगा ज्यादा बात किए तो कार से टक्कर मार दूंगा देख लेना कहकर धमकी देकर तेजी से आगे बढ़ा। उनके बातों से पटनायक वाले बहुत दुखी हुए थे। एक बार चिन्नू मुन्नू बारिश में स्कूल को जा रहे थे। चिन्नू बारिश में भीगने से बचने के लिए सर पे एक केले के पत्ते को रखकर चलने लगा तो मुन्नी एक प्लास्टिक बैग सर पे रखकर चल रही थी। इतने में विक्की और स्वीटी छतरी और रेनकोट पहनकर वहां पर आए। विक्की उनके बगल में से चलते हुए सर पे ये पत्ता क्या है तुम लोगों को ऐसे घटिया आइडियाज कहाँ से आते हैं कहकर हंसने लगा तो स्वीटी सर पे प्लास्टिक बैग क्यों रख लिए गंदा है ये तुम्हें कहाँ से मिला कचरे में मिला क्या तुम्हें एक छतरी खरीदने जितने पैसे भी नहीं है क्या कहकर उनका मजाक उड़ाने लगी। चिन्नू तब आप लोग क्यों हरदम ऐसे हमारे अपमान करते हुए खुश होते हैं ये सही नहीं है एक और बात ऐसे मत कीजिए कहा। एक बार चिन्नू मुन्नी हरदम के जैसे ही रिक्शा में जा रहे थे तब स्वीटी विक्की हर रोज के जैसे ही उनका मजाक उड़ाने लगे। मगर अचानक से वो कार बहुत तेजी से उनके सामने से गुजरी। देखे तो उस कार में स्वीटी और विक्की के साथ कोई और भी थे। पटनायक वाले उस कार को देखते हुए आगे बढ़े तो उन्हें थोड़ी दूर पर विकास राज दिखा। उसे किसी ने रस्सी से बांध कर उसके मुंह में कपड़े को ठूस कर फेंक दिए थे। पटनायक वाले तुरंत जाकर उसके रस्सी खोले। विकास राज घबराते हुए कोई मेरे बच्चों को किडनैप करके मेरे ही कार में ले जा रहे कहा। पटनायक तब सर घबराइए मत बच्चों को कुछ नहीं होगा आप रिक्शा चढ़िए मैं उनका पीछा करूंगा कहा। ऐसे वो सब रिक्शा में तेजी से जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद कार दिखाई दिया। पटनायक तब सर मैं उसका पीछा करते रहूंगा इसके अंदर आप पुलिस वालों को फोन कीजिए कहा। ऐसे पटनायक तेजी से कार का पीछा करने लगा तो विकास राज पुलिस वालों को फोन करके सब बताया। पुलिस जीप अब स्टेशन से निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस जीप उस कार के सामने आकर रुक गया। बस किडनैपर्स कार को रोक दिए। पुलिस वाले पटनायक और विकास राज वालों से मिलके चोरों को खूब मारे।
पुलिस वाले उन्हें जीप में ले गए। विकास रास्तम, पटनायक मुझे माफ करो, इतने दिन हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, फिर भी आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, क्या देकर हम आपका एहसान चुका सकते हैं? कहकर हाथ जोड़ा विकी तब। सॉरी पटनायक अंकल, अब हम कभी भी गलत बर्ताव नहीं करेंगे। कहा स्वीटी तब। चिन्नू मुन्नी आई एम रियली सॉरी बोली। ऐसे बच्चे एक दूसरे के गले मिले, ये देखकर विकास राज पटनायक बहुत खुश हुए।